नमस्कार दोस्तों, किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता के राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 14 मई दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आयकर संपूर्ण राशि बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शनिदेव महाराज लिखें, शनिदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 14 मई 2022 दिन शनिवार, आज की तिथि त्रयोदशी, आज का नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:31 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:03 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कार्य करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 8:14 से सुबह 9:08 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 7 और शुभ रंग है हल्का फिरोजी और नीला। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, दूसरों के लिए खराब नीयत रखना मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है। इस तरह के विचारों से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये समय की काफी बर्बादी करते हैं और आपकी क्षमताओं को खत्म करते हैं। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मिला जुला रहने वाला है, आज आपको धन लाभ हो सकता है लेकिन इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। पारिवारिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी जो आपको मानसिक तनाव दे सकती है। अपने प्रेम प्रसंग के बारे में इधर उधर की बातें ज्यादा ना करें। आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि आप ज्यादा लोगों से मिलकर आप परेशान हो जाते हैं और फिर अपने लिए वक्त निकालने की कोशिश करने लग जाते हैं। इस लिहाज से आज का दिन आपके लिए बहुत उम्दा रहने वाला है। आज आपको अपने लिए पर्याप्त समय मिलेगा। आपकी व्यस्त दिनचर्या के चलते आपका जीवन साथी आपके ऊपर शक कर सकता है लेकिन दिन के अंत तक वह आपकी बात समझेगा और आपको गले लगाएगा। जब आपके पास ज्यादा खाली समय हो तो नकारात्मक विचार को आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं, अतः सकारात्मक पुस्तक पढ़ें और कोई मनोरंजक फिल्म देखें या मित्रों के साथ आपको समय व्यतीत करना चाहिए। साथ ही साथ आपको बताएं, हृदय रोगियों के लिए काफी छोड़ने का सही समय है। अब इसका जरा भी इस्तेमाल दिल पर अतिरिक्त दबाव डालेगा। बिना बताए आज कोई देनदार आपके अकाउंट में पैसा डाल सकता है जिसके बारे में जानकर आपको अचंभा भी होगा और खुशी भी होगी। घरेलू काम आपको थकान देने वाला रहेगा और इसलिए मानसिक तनाव की वजह भी बन सकता है। प्यार के मामले में आज आप गलत समझे जा सकते हैं। इस राशि के छात्र छात्राएं आज अपने कीमती समय का दुरुपयोग कर सकते हैं। आप मोबाइल या टीवी पर आवश्यकता से अधिक समय जाया कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को सरप्राइज देते रहें, नहीं तो वह खुद को अपने जीवन में महत्वहीन समझ सकता है। गजब का दिन है, फिल्म पार्टी और दोस्तों के साथ घूमना फिरना आपके लिए मुमकिन है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं कि कुछ चिरस्थायी प्यार के क्षणों के कारण आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा, नए रिश्ते सुखद रहेंगे। आप परिवार वालों के साथ बाहर घूमने की योजना भी बना सकते हैं। आप अपनी वाणी द्वारा हर किसी दिल को मोह लेंगे। साथ ही दोस्तों, आपको बताएं, दिल की सुने आपका हृदय आपका सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। मन की स्थिति भ्रमित रहने के कारण आपका संभाषण प्रभावित होगा। धैर्य रखें और अपने आप के साथ जायज़ जायज़ ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं कि आपको अपने फालतू खर्चों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो आर्थिक तंगी के कारण पारिवारिक जीवन में परेशानियां हो सकती हैं। जीवन के सभी पहलू अच्छे से बीतेंगे और आप अपनी लाइफ का खुलकर मजा ले पाएंगे। परिवार में अपने जीवन साथी व बच्चों के साथ यादगार समय बिताएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं,
आज आपको कुछ मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। घर में सुधार संबंधी योजना को क्रियान्वित करने के लिए वास्तु संबंधी नियमों का भी आपको पालन अवश्य करना चाहिए। अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा दोस्ताना और प्यार करने वाला व्यवहार करें। यदि छिप छिप कर प्यार करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। साथीदार दोस्तों आपको बताएं, आज छोटी मोटी रुकावटों का सामना आप कर लेंगे, आने वाले दिन भी आपके लिए बेहतर रहेंगे। अचानक यात्रा के कारण आप आपाधापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं। किसी से विवाद ना करें, सावधानी रखें, कामयाबी का रास्ता खुल रहा है। नए संबंधों से फायदा होगा, आपका कार्य कौशल उभर कर आपके सामने आएगा, आपको वांछित सहयोग भी मिलेगा। आज आप एक बार फिर समय के पीछे जाकर शादी के शुरुआती दिनों के प्यार और रोमानियत को महसूस कर सकते हैं। अगर आज आप किसी सामाजिक समारोह में जाने की सोच रहे हैं तो अवश्य जाएं और इसका फायदा अपने आप को खुश रखने के लिए उठाएं। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। हो सकता है कि आपका उनसे थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाए, तो आपको अपने प्रेमी को कुछ तोहफा देने की सलाह दी जाती है। इससे आपको अच्छा लगेगा और आपका प्यार आपके प्रति कुछ अच्छा महसूस करेगा, जो आपके प्रेम संबंधों को गहरा व सुंदर बनाए रखेगा। साथ ही साथ आपको कुछ परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें क्योंकि यह समय कुछ समय के लिए रहेगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि आज आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। इससे आप दोनों के प्यार में और मधुरता आएगी और आप दोनों काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। बस आज आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को समझने की कोशिश करें, आपका दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपके हेल्थ के बारे में, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आपको थोड़ा दे दर्द हो सकता है, जैसे गर्दन पर, कमर में, दांत और पेट की समस्या आपको उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा जितना हो सके आप दर्द को नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आप व्यर्थ की चिंता ना करें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।